शो का बार स्वागत करता हूँ आज किसी महीने में। दोस्तों मैं आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और पंचायत की वोटर लिस्ट भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी दोस्तों अपने मोबाइल से दोस्तों फ्री में दोस्तों, कोई पैसा कोई चार्ज आपको नहीं लगने वाला। आपके पास फोन है दोस्तों, ये दोनों काम आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने पहले दोस्तों मेरे चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ऐसी ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। और मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर देगा दोस्तों, शेयर कर देगा। चलिए दोस्तों आपके गूगल या क्रोम पे जाना है, मैं चलिए गूगल पे चल जाता हूँ दोस्तों। यहाँ लिखना है दोस्तों NBPS लिखते ही दोस्तों सर्च पर क्लिक करना है दोस्तों आपको। जैसे ही दोस्तों सर्च पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट में लिंक है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको 3 डॉट पे यहाँ ऊपर पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप दे देना है दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप साइड। और यहाँ लिखना है सर्च इन इलेक्ट्रॉनिक रोल पर क्लिक करना है दोस्तों आपको। और दोस्तों आप 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर दोस्तों डेस्कटॉप देना है आपको यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है पंचायत पत्र धारा खोज सर्च, इस पर क्लिक करना है दोस्तों आपको। अब दोस्तों आपके वोटर आईडी कार्ड में जो भी इफिक्स नंबर है दोस्तों वो आपको यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। मैं चलिए फिल कर दूँ फिक नंबर दोस्तों, मैंने फिक नंबर फिल कर दिया दोस्तों। अब आपको राज्य सेलेक्ट करना है, बिहार कर ले रहा हूँ मैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ कैप्चा कोड डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 5HF4Z के सर्च पे क्लिक करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पे वोटर लिस्ट आ गया दोस्तों। देखिए मेरा फिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा है दोस्तों, एज लिखा हुआ है, फिर पिता का नाम लिखा है, राज्य लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है और ब्लॉक लिखा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया दोस्तों, यहाँ पर जितना कुछ दोस्तों यहाँ पर सब कुछ आ गया, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर। देखिए मेरा जितना पूरा बायोडाटा दोस्तों यहाँ पर लिस्ट आ गया, देखिए दोस्तों अब ये दोस्तों मेरा अब डाउनलोड हो गया। PDF में जाकर दोस्तों आपको बैक करना, फिर बैक करना दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक रोल PDF पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको आएगा दोस्तों। आप दोस्तों किस राज्य का देखना चाहते हो इस पर क्लिक करना है। अब जिस राज्य का देखना चाहते हो उस राज्य पर क्लिक कर देना है, मैं दोस्तों बिहार का तो बिहार क्लिक कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिहार पे क्लिक कर दिया दोस्तों। गो पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही दोस्तों गो पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दोस्तों देखने के लिए मिलेगा आपको दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों सबसे यहाँ पर ऊपर में लिखना है आपको आपका ब्लॉक कौन सा दोस्तों, ब्लॉक डाल दिए यहाँ पर दोस्तों जो मेरा ब्लॉक, चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर दोस्तों। मेरा ब्लॉक 48 नंबर फॉरबिसगंज में डाल दिया, फॉरबिसगंज। जैसे डालते दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके पास ये देखने के मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पंचायत का नाम डालो, आप किस पंचायत का लिस्ट देखना चाह रहे हैं दोस्तों, उस पंचायत आपको सिलेक्ट करना। चलिए मैं सिलेक्ट करना है जो मेरा, चलिए दोस्तों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना पंचायत, मेरा जो भी पंचायत मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स जो भी आपका आप भी वो कर लेगा आपका जो है दोस्तों, मेरा है कौन है मेरा देख लेता हूँ मैं यहाँ पे फ्रेंड्स। अब मेरा पंचायत के है यार, दोस्तों थोड़ा लेट लग रहा है इसलिए मैं अपना पंचायत ढूंढ रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। ये सारा बहुत ही सारा पंचायत दिया दोस्तों यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ लेकर मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ दोस्तों 75 में पड़ते गई विवालय और आई पश्चिम भाग के भी सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। अब दोस्तों आपको यहाँ कैप्चा डालना है दोस्तों आपको यहाँ पे, तो डाल लेता हूँ कैप्चा में दोस्तों यहाँ पे LK2TT। अब इस पर क्लिक कर देना है,
व्यू पे। जैसे ही दोस्तों व्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा टाइम लगा डाउनलोड होने में दोस्तों, आपके पास खुद ऑटोमेटिक लिस्ट यहाँ पे दोस्तों आपके पास आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्ट यहाँ पे दोस्तों आपके डाउनलोड होकर आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे। थोड़ा कैप्चा गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे YGY3T व्यू पे क्लिक करना है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको। जैसे ही दोस्तों करेंगे, देखिए दोस्तों ये मेरा PDF यहाँ डाउनलोड हो गया दोस्तों। डाउनलोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे नीचे में, देखिए दोस्तों मेरा डाउनलोड होना वो शुरू हो गया दोस्तों। अब वो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे अब खुद आ कर जाएगा यहाँ दोस्तों डाउनलोड होकर यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स मैं फाइल मैनेजर में जाकर चेक कर लूँ दोस्तों, वहाँ पे जाकर मेरा PDF डाउनलोड होगा कि नहीं हुआ जाकर मैं चेक कर लूँ फाइल मैनेजर में दोस्तों। आपको फाइल मैनेजर में जाना है, मैं देख ले रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा PDF अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ दोस्तों। PDF मेरा डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट वाले यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए थोड़ा मैं दोस्तों वेट कर लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे। अब फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकती है दोस्तों यहाँ स्कूल का आपके पंचायत में कौन सा स्कूल है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो वोटर लिस्ट आ गया डाउनलोड हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरे पंचायत के वोटर लिस्ट दोस्तों यहाँ पे आ गया दोस्तों, जिसको आप देखना है दोस्तों यहाँ जूम करके आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो बस पूरे पंचायत में पूरे 46 पेज का लिस्ट है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरा लिस्ट आ गया दोस्तों यहाँ पे पूरा। अब दोस्तों इसी तरह से आप भी वोटर आईडी कार्ड का डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों वोटर लाइव वोटर लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों फ्री में, कोई चार्ज पैसा नहीं लगने वाला है दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में